2014 के पहले पूरे देश के बड़े बड़े नेता टमाटर आलू प्याज गले में बांध करके और गैस सिलेंडर लेकर के जो है तो बैठ जाते थे, पूरे देश का मीडिया चिल्लाता था, अरे महंगाई बहुत बढ़ गई, डीजल पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए। जो काम कांग्रेस ने किया, गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा के ऊपर ईडी सीबीआई का डंडा चलाया इन्होंने, उस समय इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था। आज उसी एजेंडे पे बीजेपी आ गई, उन्होंने कांग्रेस को भी उसमें लपेट लिया, अब उनको कष्ट हो रहा, दर्द हो रहा, अरे ये तो गलत हो रहा। जाति जनगणना कौन कराएगा? सरकार कराएगी। बैलेट पेपर से चुनाव कौन कराएगा? सरकार कराएगी। अब सरकार कैसे बदलेगी तब जा करके जो है तो होगा, ये हमको प्लान करना पड़ेगा। अमृत आज़ादी का महोत्सव मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को, वहाँ 50 लड़के गुंडे आएंगे, जय श्री राम बोलेंगे और झंडा भगवा का एक रखेंगे एक हाथ में और एक हाथ में राष्ट्रीय ध्वज रखेंगे, वो चिन्हित करेंगे कि कौन हमारा विरोधी है। हर जगह कापी जांचने में द्रोणाचार्य बैठे हैं, विश्वविद्यालयों में इंटरव्यू में द्रोणाचार्य बैठे हैं, कहाँ जाओगे आप? जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा, ये नारा हमको लाना पड़ेगा। अगर वास्तव में बहुजन हो, वास्तव में ओबीसी हो, वास्तव में आप जो है दलित हितैषी हो, संविधान बाबा साहब की हितैषी हो, तो कम से कम 50 लोगों को 20 लोगों को शेयर करो कि हम जाति जनगणना कराएंगे और जो पार्टी जो हमारा जो संगठन जाति जनगणना और बैलेट पेपर चुनाव की बात करेगा हम उसी का सपोर्ट करेंगे, संकल्प लो, ये हमारा अभियान चलना चाहिए। संगठन है, मैं इन सभी योद्धाओं को जो है बधाई देता हूँ कि जिन्होंने लगातार कई वर्षों से प्रयास करके अलग जगह करके सड़क से लगाकर संसद तक जाति जनगणना, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात आवाज़ उठाने का काम किया। हमारे आदरणीय सांसद जी वर्मा जी हैं और सभी हमारे मित्रजन बैठे हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है, जो आयोजक हैं या संगठन से जुड़े हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। हम लोगों को जो मौका मिला, जो आप लोगों से वादा करके यहां से मंच से गए, उसको जरूर हम लोगों ने सदन में जरूर उठाया और हमारा यही प्रयास रहा अपने साथियों से कहते रहे कि भाई अपने बहुसंख्यक की आवाज़ को उठाना है। आज हमारा देश गुलामी की तरफ जा रहा है, हमारा बहुजन समाज गुलाम होने जा रहा है। अभी तो मुसलमानों के ऊपर बारी है, इसके बाद बहुजनों की बारी है। इन्होंने जिस तरह से पूरा मीडिया कैप्चर कर लिया, अगर हमारा सोशल मीडिया के बंदों को बधाई देता हूँ जो हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं, अगर सोशल मीडिया ना होता तो हमारे लोग अपनी बात भी न सुन पाते। आज सदन में महंगाई पर काम रोको प्रस्ताव लाया गया, महंगाई पर सदन नहीं चल रहा, लेकिन कोई देश का हमारा व्यक्ति नहीं देख पा रहा। वही 2014 के पहले पूरे देश के बड़े बड़े नेता टमाटर आलू प्याज गले में बांध करके और गैस सिलेंडर लेकर के जो है तो बैठ जाते थे, पूरे देश का मीडिया चिल्लाता था, अरे महंगाई बहुत बढ़ गई, डीजल पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए। इन्होंने उद्योगपतियों का सहारा लिया, आज जिस तरह से इनकी प्रोग्रामिंग चल रही है, अगर हम लोग जगह नहीं, क्रांति नहीं हुई पब्लिक से, क्योंकि देश में राजनीतिक पार्टियां राज करती हैं, जो काम कांग्रेस ने किया, गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा के ऊपर ईडी सीबीआई का डंडा चलाया इन्होंने, उस समय इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था। आज उसी एजेंडे पे बीजेपी आ गई, उन्होंने कांग्रेस को भी उसमें लपेट लिया,
अब उनको कष्ट हो रहा, दर्द हो रहा, अरे ये तो गलत हो रहा। और जब ये डंडा चलाते थे, जबरदस्ती सरकारें जो है तो कब्जा कर लेते थे, बूथ कब्जा कर लेते थे, वोट नहीं लोगों डालने देते थे, रातों रात फैसले हो जाते थे। आज हम देख रहे हैं कि जो चारों स्तंभ में उन पर कब्जा इनका हो गया, लोकतंत्र के चारों स्तंभ पे कब्जा हो गया। अब हमें बचाने की हमारी आपकी जिम्मेदारी है। जाति जनगणना कौन कराएगा? सरकार कराएगी। बैलेट पेपर से चुनाव कौन कराएगा? सरकार कराएगी। अब सरकार कैसे बदलेगी तब जा करके जो है तो होगा, ये हमको प्लान करना पड़ेगा। अब एक और फंड आ गया। अभी तक जहां जहां मस्जिद है, जहां जहां मुसलमान रहते थे, वहां जय हनुमान जय श्री सब पढ़ते थे, अब आपके घरों में हनुमान चालीसा जय श्री राम लगने वाला है। अमृत आजादी का महोत्सव मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को, वहां 50 लड़के गुंडे आएंगे, जय श्री राम बोलेंगे और झंडा भगवा का एक रखेंगे एक हाथ में, और एक हाथ में जो है तो राष्ट्रीय ध्वज रखेंगे, और वो चिन्हित करेंगे कि कौन हमारा विरोधी है। वहां से चिन्हित करने का काम करेंगे गांव-गांव कि कौन हमारा विरोधी है, फिर उन्हीं के ऊपर धावा बोलेंगे। आज मैं बोल रहा हूँ, आज 20 तारीख है, 15 अगस्त के 20 दिन बाकी, 20 दिन बाद ये हाल होने वाला है। वो 2024 के लिए चिन्हित करेंगे कौन बूथ में, कौन गांव में हमारा कमजोर मामला है, और उसमें हमला करेंगे तो हमारे लोग क्या करेंगे। तो हमारे लोगों को भी, जितने भी हमारे पैगाम, जितने भी सोशल मीडिया में, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, हम लोग संकल्प करें कि अगर वास्तव में बहुजन हो, वास्तव में OBC हो, वास्तव में आप जो है दलित हितैषी हो, संविधान बाबा साहब की हितैषी हो, तो कम से कम 50 लोगों को 20 लोगों को शेयर करो कि हम जाति जनगणना कराएंगे, और जो पार्टी, जो हमारा जो संगठन जाति जनगणना और बैलेट पेपर चुनाव की बात करेगा, हम उसी का सपोर्ट करेंगे। संकल्प, ये हमारा अभियान चलना चाहिए। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारा भी पैरल प्रोग्राम चले। जब कुछ नहीं लगना, और जितने भी हम लोग, एक एक प्रदेश ले लो, चाहे एक जिला ले लो, जितने हमारे संगठन के लोग हैं, हम लोगों को जिम्मेदारी दे दो, हम लोग अपने इलाके में कराएं। कुछ नहीं, बिना प्रोपेगेंडा कुछ नहीं होता। मीडिया उनके हाथ में चली गई, जो TV में परोसा जा रहा है उसी को लोग असली मानते हैं। पहले अखबार मानते थे, अखबार अब खत्म हो गया, अखबार कोई पढ़ता नहीं, मंगाता नहीं, अब जो चैनल में आ गया वही लोग सोचते हैं कि यही बात सही है। तो हमको भी, हमारे पास कुछ नहीं है तो खाड़ी गेरू लेकर के जाति जनगणना के स्लोगन और इसके बैलेट पेपर चुनाव कराने के स्लोगन के एक अभियान चलाएगा। जो हमारी बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, वो दिल्ली में रात करेगा, ये नारा हमको लाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अगर हम लोग चुप रहे, हमने देखा 5 किलो अनाज में और नमक में लोग बिक गए, जो लोग भूखों मर गए, पैदल चल चल के मर गए, गांव आए तो उनको गांव के बाहर स्कूल में रखा गया, 15 दिन क्वारंटाइन किया गया, उन्होंने जाकर के BJP को वोट दे दिया जाकर के बाद में। क्या करोगे आप, कैसे लड़ाई लड़ोगे, कैसे? इतना पैसा उनके पास हो गया, बीजेपी के पास पैसा हो गया, मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे पूरा पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया, जितने सरकारी मशीनरी है सारा प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, अग्निवीर से लगाकर अब तो सब वीर पैदा कर देंगे, सब विभागों में कर देंगे, शिक्षा का निजीकरण कर देंगे, आपके बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, कैसे सवाल करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे प्रोफेसर बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे,
कैसे इंजीनियर बनेंगे, जो हमारे बन गए, हम लोग 50 साल में रिटायरमेंट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिटी में तो अपने लोगों को बैठाए रहे, अभी हमारे प्रोफेसर ने बताया। मैंने सवाल किया प्रधानमंत्री जी से, आप लोगों ने, प्रधानमंत्री कुछ बोले नहीं, उनके जीतन सिंह जी राजमंत्री जवाब देते रहे। हमने आरक्षण की बात की, किसमें आरक्षण क्यों नहीं आप दे रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई एकल पद है, आप 450 IAS ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी भरने जा रहे हो, एकल पद है। तो ये बात हम लोगों को नौजवानों को बतानी पड़ेगी। नहीं, नौजवान हमारा अभी तो इन्होंने किसानों को किसान सम्मान निधि दिया, इसके बाद श्रमिक कार्ड बनाया, उसमें से किसान श्रमिकों को पैसा दे दिया, उसमें वोट चला गया। इसके बाद नौजवानों के लिए करेंगे बेरोजगारी भत्ता दे देंगे आगे, उसमें वोट चला जाएगा। 24 में बना देंगे नौजवानों के लिए बेरोजगारी का, तो उनको अगर 1000-2000 रुपया भत्ता मिल जाए, इसके बाद भले आगे बंद कर दें, 24 के पहले 2-4 हज़ार रुपया उनको, नौजवानों को बेरोजगारी जिनको रोजगार नहीं है दे देंगे 2-4 हज़ार रुपये, तो वो भी बिक जाएंगे। इनके पास बहुत से फंडे हैं, जब नहीं होगा तो इनका उद्घाटन होने वाला मंदिर का अयोध्या में, घर घर लगवाएंगे नारे, तो इनके बहुत, इनकी बहुत गहरी जड़ है। हमें बुद्धिजीवियों को, हम सब लोगों को लगना पड़ेगा। हम लोग तो शुरू से अम्बेडकरवादी विचारधारा करें, सड़क से लगा के सदन तक हम बोले, अब भी बोलते हैं, कुछ भी उसका परिणाम हो, लेकिन आप सभी से हाथ जोड़ कर कहना चाहते हैं कि हम लोग दिल्ली छोड़ करके जहाँ जहाँ के हम लोग रहने वाले हैं, अगर दिल्ली में भी आके किसी मोहल्ले के ग्रामीण एरिया के रहने वाले हैं, वहाँ अगर हम 50 आदमी 100 आदमी को जगा दिया तो हम काफ़ी बदलाव ला देंगे। ये हमें सबको प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम देख रहे हैं 2-3 साल से हमारे साथी एक डोनेशन बैग भी रखते हैं, पता चलता उसमें 1 रुपया नहीं आता है, आपको बढ़िया खाना भी खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, आपका भाषण भी कराते हैं, और भाषण कराने के बाद फिर वही हाल रहता है जैसे पहले था। तो हमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, कुछ प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी साथियों से और जो भी हमारे सोशल मीडिया के, जो हमारे बहुजन सोशल मीडिया है, इनको विशेष तौर बधाई देता हूँ कि आज उनकी बदौलत हम लोग आगे कुछ जानकारी दे रहे हैं। नहीं तो आप, तो आप लोग जानते हो कि द्वापर में एक द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटने काम किया था। आज 40 विश्वविद्यालय हैं सेंटर के, कहीं आपका बीसी नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, हैं थोड़े बहुत ही उसी वाले हैं बाकी, लेकिन बीसी कोई नहीं है। हर जगह कापी जांचने में द्रोणाचार्य बैठे हैं, विश्वविद्यालयों में इंटरव्यू में द्रोणाचार्य बैठे हैं, कहाँ जाओगे आप, सब जगह नंबर काट के आपको पीछे कर दे रहे हैं। आज जो EWS की सूची है ST से नीचे जा रही है, जबकि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं था, इन्होंने बहुमत के आधार पर, आर्थिक आधार पर EWS का 10% आरक्षण ले लिया, और अब ST से नीचे जो है तो कट ऑफ सूची ला रहे हैं, क्या करोगे आप। पूरा OBC का जो है आरक्षण खाए जा रहे हैं, अभी शिक्षक घोटाला 69,000 भर्तियों में UP में, पूरे देश में हो रहा, कोई इस समय इनके खिलाफ बोलता है तो ED और उनके बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। हमें कुछ लोगों को जो है इनके खिलाफ जो है लड़ने के लिए, बड़े नेता जिनके पास पैसा है, फैक्ट्रियां हैं, ये जहाँ से चल रही तो नहीं बोल पा रहे, जो बोले उनका घर गिर गया, जो बोले तो उनके ED पहुँच गई, CBI पहुँच गई, उनके घर वाले दबाव पाल रहे कि काहे झंझन पड़ते हो, छोड़ो चक्कर, इनका विरोध करना छोड़ो। हमारे प्रोफेसर बता रहे थे, शंभू सिंह जी बता रहे थे कि BJP तो वॉशिंग मशीन है, जो BJP ज्वाइन कर ले तो उनका सारा माल। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा जी के राज में दिनेश खटिक जल शक्ति मंत्री, उन्होंने
कल लिखा मीडिया में, पत्र लिखा कि हमारी दलित भाइयों का बड़ा घोर अपमान, मैं फोन करता हूँ बात नहीं किया जाता, काट देते हैं, मेरे कहने पे कोई काम नहीं होता। इससे सीख लेना चाहिए पूरे देश को कि ये चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दें, चाहे हमारे मंत्री बना दें, चाहे सांसद बना दें, विधायक बना दें, केवल वो हाथ उठाने के लिए बनाते हैं, आपको अधिकार दिलाने के लिए नहीं। जैसे हमारे यहाँ तमाम ब्लॉक प्रमुख बने हैं, यूपी में तमाम जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं रिजर्व कोटे से एससी के पीसी के, लेकिन कौन मंच में, अभी फतेहपुर का एक आया था मामला ब्लॉक प्रमुख, जो असली ब्लॉक प्रमुख थी गेहूं काट रही थी, सोशल मीडिया में आया था, और वाजपेयी जो उनके प्रतिनिधि थे वो माला पहन के वो फीता काट रहे स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कर रहे। तो हमें बहुत कुछ सीख लेना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा, हमको भी इनका बहिष्कार करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जब तक हम हर मामले में इनका बहिष्कार नहीं करेंगे, हम धन से पैसे से सबसे इनको मजबूत करेंगे, उतना ही हमारा शोषण करेंगे। तो इसके लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा और बना करके आगे उसमें चलना पड़ेगा। आप सभी विद्वान विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई कार्यकर्ता जनता नहीं है, हम लोग आवाज़ बन करके जनता के बीच जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजक बंधुओं को सभी को बधाई देता हूँ, और मैं पहले भी संकल्प मैंने लिया था कि जहाँ हमारी जरूरत पड़े, तो अब तो मैं फ्री हो गया, जहाँ जरूरत पड़े देश के किसी कोने मुझे ले जाने की, हम चलेंगे, आप बहुजन की आवाज़ बन करके आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे कि हम सब एक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपने महापुरुषों को प्रणाम करके धन्यवाद।